अजमेर की सेंट्रल जेल में आज किशनगढ़ विधायक व जेल कमेटी के मेंबर सुरेश टांक ने कैंटीन का उद्घाटन किया। यह कैंटीन जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी के प्रयासों से यहां स्थापित की गई है। अजमेर की सेंट्रल जेल में रोजाना बड़ी संख्या में कैदियों से मुलाकात करने उनके परिजन आते हैं और साथ ही अजमेर सेंट्रल जेल में कार्यरत 300 कर्मचारी व सुरक्षा कर्मियों की सुविधा के लिए लंबे समय से जेल कैंटीन की मांग की जा रही थी। जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने इस अवसर पर किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक से आग्रह किया कि वे अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास करें ताकि आने वाले समय में यह कैदी जब समाज के बीच में जाए तो अपना जीवन यापन कर सके। सर, ये शानदार एक अचीवमेंट है। मैं तो प्रीति मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना बढ़िया सा नवाचार किया है और ये नवाचार अपने आप में मायने भी रखता है क्योंकि 300 जवान यहाँ तैनात है और 300 जवान अगर इनके लिए जलपान की व्यवस्था जेल में नहीं है तो ये बड़ी एक चिंताजनक बात थी और आपने इसको समझा, जवानों के दर्द को समझा और ये व्यवस्था एक सुंदर सी बैठने की व्यवस्था करी जो सम्मानजनक होगी और इनका आत्मबल भी बढ़ेगा इस बात को लेकर कि नहीं, हमें एक अच्छी जगह मिली है बैठने के लिए और हमारे जो अधिकारी है वो हमारी चिंता करता है, तो मैं बधाई भी दूंगा। और इससे पहले भी बहुत सारे नवाचार किए हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है और हमारी जो सेंट्रल जेल है ये अपने आप में एक बहुत पूरे राजस्थान में अपना एक महत्व रखती है, अलग से पूरी व्यवस्थाएँ यहाँ चाक चौबंद है। मैं अभी बात भी करूँगा, अगर इससे संबंधित अगर और भी कोई असुविधाएँ या किसी भी तरह की कोई कमी रही होगी तो हम मिलकर इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और सरकार तक इनकी जो भी समस्या उसको पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जो आपने यहाँ पे हमें आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, बेसिकली साहब हमारे खुद के इस परिवार के मेंबर हैं, जेल कमेटी जो है उसके मेंबर है, इसीलिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हमने इन्हीं को समझा। साहब मार्बल एसोसिएशन से भी जुड़े, अभी हम अंदर इनको विजिट करवाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर जो 1000 के करीब बंदी हैं उनको मार्बल एसोसिएशन की तरफ से कोई रोजगार उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए हम साहब से निवेदन करेंगे क्योंकि साहब का नेचर भी इसी तरह का है कि हमेशा प्रोग्रेसिव इन्होंने बहुत सारे काम किए, तो इसीलिए आज साहब से हम लोग अंदर विजिट करवा के अभी साहब से अनुरोध भी करेंगे। मैम, जो उद्घाटन किया, क्या सुविधा रहेगी इसमें? ये कैंटीन है बेसिकली, यहाँ पर छाछ, दही, दूध, लस्सी और मुलाकात के लिए भी जो भी कई माएँ बहनें आती हैं उनके साथ छोटे बच्चे आते हैं तो उनको भी दूध की प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, पानी पीने के लिए कहाँ जाए, तो इसीलिए ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने एक ही जगह पर एस्टैब्लिश की है। जो बाहर भीड़ भाड़ होती थी उससे निजात मिली? हाँ, बेसिकली बाहर ठेले लगे रहते थे, ठेले के ऊपर मुलाकात वाले व्यक्ति और हमारा स्टाफ भी वहाँ रोड के किनारे बैठता था तो वो थोड़ा सा एम्बेरेसिंग था, थोड़ा सा शिष्टाचार के विरुद्ध था, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रीमिसेस के अंदर ही व्यवस्था